नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को लेके आई हूँ अपने छत पर बने गार्डन में, वेजिटेबल गार्डन में। आज मैं अपने गार्डन का बताने वाली हूँ अपडेट, और यहाँ से आज मैं हार्वेस्टिंग भी करूँगी और ये भी दिखाऊंगी कि बरसात के टाइम किस हाल में हैं पौधे और कौन सी सब्जियों के पौधों से हमें सब्जियां तोड़ने को मिल रही हैं और कौन सी अभी तक नहीं लग रही। ये सब आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप सामने देख रहे हैं कि काफ़ी सारी लौकियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज हम पहले लौकियों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लौकियों की हार्वेस्टिंग हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अभी भी चल रही है हार्वेस्टिंग। बरसात की लौकियाँ हैं ये, और पौधे देखिए अभी इसके पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। कई पौधे जो हैं वो काफ़ी सारे जो है वो सूख गए हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने कटिंग से बेल लगाई थी पंपकिन की, उसकी भी हमें एक हार्वेस्टिंग मिल गई है। एक फल हमें मिल गया कद्दू तोड़ने को। देखिए कितना बड़ा साइज है इसका, ये कटिंग से हमने ग्रो की हुई है। अभी चलते हैं भिंडी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। भिंडी हमें अभी तोड़ने को कम मिल रही है, क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया भिंडी के पौधे में। तो जब कीड़ा लग जाता है तो फ्रूटिंग कम हो जाती है। तो अभी देखते हैं, अगर कम हो गई बिल्कुल तो मैं इसको उखाड़ फेंकूँगी, फिर नई सब्जियां और लगा दूँगी भिंडी। ये बरसात में अक्सर हो ही जाता है, चाहे जितनी भी केयर करो तो पौधों में कीड़ा आ ही जाता है। अगर कुछ दिन ना केयर करो तो फिर ये बढ़ता बढ़ता सभी पौधों में फैल जाता है। देखूंगी मैं पहले नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी एक दो बार, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाल दूंगी। ये देखिए तोरी की बेलें हैं, ये अच्छी चल रही हैं, अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। कैसी लगी आप लोगों को? आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ये देखिए अभी ये है नींबू का, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये रही हमारी उसकी सेम की, इसमें भी अभी बिल्कुल भी कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये है पपीता, पपीते में भी नहीं हो रही है, कुछ दिनों तक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।